Always. The first slide. We are starting with periodic function. Can anyone tell me what is the meaning of this word? Like a graph that goes minus infinity to infinity in a time interval, fixed time interval. Okay, okay. Sir, a graph that repeats itself in a fixed interval. Can you please be a little louder? A graph that repeats itself in a fixed interval. Yes, 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 yes. If a function repeats its property, after an interval, then interval of, or I must say length of interval. बच्चों ये ध्यान दे दो, length होना चाहिए, length है ना. Interval को period नहीं बोलते हैं, length को period बोलते हैं. Length of interval, then length of interval is called period. इसको mathematically हम लोग ऐसे लिखते हैं बच्चों, f of x plus t is equal to fx. अच्छा बताओ, लेंथ नेगेटिव हो सकता है क्या बच्चों? नहीं, नहीं हो सकता ना. तो लेंथ को तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, जीरो भी नहीं हो सकता ना. जीरो टाइम के बाद फंक्शन रिपीट हो रहा है तो फालतू हो गया ना वो तो. बराबर ना? यस सर. हाँ, तो यहाँ पे f of x plus t is equal to fx अगर आ रहा है, where for all x belongs to domain, right, and t greater than zero. Sir, आपने fx of x plus क्या लिखा है? वापस बोल. Sir, आपने एकदम starting में fx plus क्या लिखा है? t visible है ना ये तो सब लोगों को? हाँ सर, मुझको समझा नहीं आप t क्यों लिखोगे अभी, या समझ नहीं आया. f of x plus t is equal to fx where t greater than 0, then t is called period. T is called period, right. जैसे ये तुम लोगों ने ग्राफ ऑलरेडी बनाया हुआ है बच्चों, ये अप्रोक्सीमेटली किसका ग्राफ है बताओ? साइन एक्स का ग्राफ है, 0 to 2 pi एक्सेट्रा. पीरियड कितना आ रहा है इसका? 2 pi. ठीक है, लेकिन मानो ये ग्राफ हम लोग को पता ही नहीं होता और वो हम लोग से एक क्वेश्चन करता, फाइंड पीरियड ऑफ साइन एक्स, ये क्वेश्चन करता बच्चों. ठीक है, तो अब समझो कि पीरियोडिसिटी के ओरिजिन में हम लोग आ गए, मतलब पीरियोडिसिटी हम लोग ने सीखना स्टार्ट किया है, ऐसा मान के चलो. ये पता ही नहीं है ग्राफ ऑफ क्या होता है, कैसे बनता है, कुछ नहीं, अभी फिलहाल कुछ पता नहीं है. ठीक है, तो ये पूछता फाइंड पीरियड ऑफ साइन एक्स, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ लेता. डेफिनेशन बता दी है, ऐसा समझा दिया है, और अब पीरियड पूछ रहा है. तो बच्चों हियर आई एम राइटिंग स्टार मार्क पॉइंट, टू फाइंड पीरियड ऑफ एनी फंक्शन, सॉल्व द इक्वेशन f of x plus t
माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर टी। बताओ बच्चों ये वाली तो इक्वेशन है। यस सर। राइट, इसको टी के लिए सॉल्व कर लो। इफ टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब जब तुम टी का वैल्यू निकालोगे ना यहां से, अगर उसमें एक्स नहीं आ रहा, टी का वैल्यू एक्स के टर्म्स में नहीं आ रहा, तब तो टी का वैल्यू फिक्स हो गया भाई। लेंथ तो फिक्स होनी चाहिए ना, डिपेंडेंट थोड़ी होनी चाहिए एक्स पे। यस सर, है ना। तो जो टी का वैल्यू है, इफ टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एफ एक्स इज पीरियोडिक अदरवाइज नॉन पीरियोडिक, ये ध्यान रखना है। राइट, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो वो ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स कितना है साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस टी कितना बन गया साइन एक्स प्लस टी। तो मुझे सॉल्व करना है साइन एक्स प्लस टी माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ट्वाइस कॉस ऑफ टू एक्स प्लस टी होल डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन टी बाई टू इज इक्वल टू जीरो। बच्चों या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स दोनों में से कोई एक जीरो या दोनों जीरो। अच्छा, ये कॉस थीटा जीरो होता है तो थीटा क्या होता है बताओ? 90 और भी होता है ना, बहुत सारी वैल्यूज होती है ना। 90 देन 90 हो गया, 270 आई गेस हो गया। अरे बाबा ऑड नंबर्स हो जाएंगे ना। यस सर, बराबर ना। यस सर, यस सर, यस सर, ऑड नंबर्स हो जाएंगे ना, क्या बोलते हो? यस सर, यस सर। हाँ, तो 2x प्लस टी, सॉरी 2x प्लस टी बाई टू इज इक्वल टू ऑड पाई बाई टू। बच्चों बताओ अगर इसको सॉल्व करोगे तो t के आंसर में x आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, लगता है आएगा। आएगा ना, कैंसिल कैसे होगा बताओ? किधर भी दिख रहा है कि ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा सर, पर ये वाला एक्स तो कैंसिल नहीं होगा ना। हाँ सर, इसका मतलब टी डिपेंडेंट और एक्स आ रहा है ना। हाँ सर, तो क्या करें, मतलब वी शुड लूज होप्स कि नहीं, ये तो पीरियोडिक होएगा ही नहीं, या फिर स्टिल द होप्स आर लेफ्ट? सर, वी कैन डू इट, कर सकता ना। हाँ, अभी यहां से पीरियड नहीं निकला है, लेकिन यहां से तो निकल सकता है ना, ये भी तो बचा हुआ है अभी। बच्चों सेकंड क्या लिखेंगे? साइन टी बाई टू इज इक्वल टू जीरो। साइन टी बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो टी बाई टू कितना आ गया बच्चों? साइन थीटा जीरो होता है तो थीटा कितना होता है गाइस? जीरो। जीरो, थीटा जीरो होता है। वेरी गुड, साइन थीटा जीरो, देन थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा इज इक्वल टू जीरो, जीरो भी होता है, पाई भी होता है ना। जीरो होता है, नेगेटिव होता है, यस टू पाई, जीरो पाई, 180 60 है ना। तो टी बाई टू कितना हो गया? एन पाई लिख दूं क्या? हाँ सर। तो टी कितना हो गया बच्चों? 2n पाई हो गया ना। हाँ सर, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ तुम लोग, ये n क्या है यहाँ पे? ये n क्या है? What is n? Any natural number. हाँ, any natural number. Integer भी हो सकता था, लेकिन t negative नहीं हो सकता ना। वही। Yes. इसलिए n को natural number होना चाहिए। बच्चों n को natural number लिखूंगा तो t की values क्या आएंगी बताओ? Sir, sir, whole number, whole number. Zero, two pi. नहीं, whole number. अच्छा एक मिनट, अगर whole number हुआ मान ले तो n को zero डाल, बता t कितना आ जाएगा? Zero.
टी जीरो हो सकता है। ओके ओके, ये टी है ना सर, सॉरी सॉरी, मेरे को लगा वो एंगल्स जिस पे आ सकता है साइन। एन नेचुरल नंबर ही होना चाहिए ना, समझ में आया कहानी क्या है? यस यस यस, हां सर। अब बच्चों ध्यान दो, t is equal to क्या हो गया, n is equal to 1 लिखा तो 2 पाई हो गया, यस 4 पाई भी होगा, n को 2 डाल दो ना यहां पे, यस यस है ना, 6 पाई हो गया, अप टू सो ऑन, बच्चों बहुत सारे होंगे ना। यस आ गया सर ना अभी, इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना बच्चों, स्मॉलेस्ट वैल्यू इसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड, इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। राइट अच्छा, किसी भी फंक्शन का पीरियड एल्जेब्रिकली निकालने के लिए इस प्रोसेस को हमें फॉलो अप करना ही पड़ता है। इसी से हम लोगों को पकड़ में आता है कि पीरियडिसिटी कैसे चेक होगी। आर यू ऑल ओके विद दिस? किसी बच्चों को कोई डाउट है इसमें? सर दो मिनट खाली कॉपी करने को देते। हाँ ले लीजिए ले लीजिए। वैसे तो प्रांशु और प्रियांशु दोनों स्क्रीनशॉट निकाल के एक बार ग्रुप पर डाल दो। सर आपको साइन एक्स प्लस टी माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो कैसा है ये सॉल्व कर रहे ना, लिखा ना देख के दर टू फाइंड द पीरियड इसको। हाँ सॉरी, ओके यस यस यस, ऊपर वो एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स करके आपने इधर किया ना। हाँ बस वो लिखा है ना देख, सब कुछ लिखा है। ओके ओके यस सर, सर अपना मतलब ऑड पाई बाय 2 मतलब 2n प्लस 1 पाई बाय 2 लिखा है। हां ऑड पाई बाय 2 का मतलब 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होगा ना, cos ऑड पाई बाय 2 क्या होता है बेटा, 0 ही होता है ना। यस यस सर, यस यस। यार ऐसे कॉपी करोगे तो फिर हम लोग को लेक्चर ज्यादा लग जाएगा, कॉपी बाद में करो ना प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया हो गया हो गया हो गया, समझ में नहीं आया तो पूछ लो, बाकी स्क्रीनशॉट लेकर डाल दो, खत्म बात। सर हो गया कॉपी करके, ग्रुप पे भी भेजा है किसने प्रोसेस। हाँ बच्चों अब मान लो तुम लोग को बोला जाए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड पीरियड ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। राइट तो बच्चों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन रूट एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या बना बच्चों बताओ? रूट एक्स प्लस टी, रूट ऑफ एक्स प्लस टी, एक्स को एक्स प्लस टी से लिख रहे हो तो यही बनेगा ना। ओके यस, है ना। अब सॉल्व किसको करना है, साइन रूट एक्स प्लस टी माइनस साइन रूट एक्स, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व किया तो आ गया 2 कॉस एक्स प्लस टी प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस टी माइनस डिवाइडेड बाई 2 बराबर इज इक्वल टू 0। ओके
अब बच्चों तुम इसको जब जीरो लिखोगे तो ये कितना आएगा बताओ, रूट एक्स प्लस टी माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई टू ऑड पाई बाई एक्स। यहां से तो हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके हैं नॉट पीरियोडिक, यहां से तो पीरियड नहीं निकलेगा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आया था ये चीज। लेकिन बच्चों यहां से भी पीरियड नहीं निकलेगा, जान दो, रूट एक्स प्लस टी माइनस रूट एक्स बाई टू इज इक्वल टू एन पाई। बताओ बच्चों इसमें से x को कैंसिल किया जा सकता है क्या, x किसी भी तरह से रिमूव हो सकता है क्या, एलिमिनेट हो सकता है क्या, कोई भी चांस है क्या इस चीज का, बोलो। नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है ना, सर लग तो नहीं रहा। आराम से सोच लो, नहीं सर नहीं निकल, नहीं हो सकता ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी नॉट पीरियोडिक। व्हाट इज दिस इंप्लाइंग बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन रूट एक्स पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। यही तरीका होता है पीरियड निकालने का, यही तरीका होता है, ये तो हम लोगों ने पहले ग्राफ ऑफ कर रखे हैं इसलिए तुरंत बोल देते हैं, अदरवाइज इसी तरह से पीरियड निकलता है किसी भी फंक्शन का, बराबर। अच्छा बच्चों अब इस पे क्या है, ये जो हम लोगों ने कर लिया ना, इसमें बोर्ड ये वाला जो आता है ना, ये बोर्ड्स में ही आता है, तुम्हारे जो HSC बोर्ड है ना उसमें आता है गारंटीड एक क्वेश्चन निकालने का, उस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो लंबा मेथड होता है ना वो यही होता है, जो बीच बीच में कुछ बकवास हम लोग लिख सकते हैं उससे फायदा होता है बोर्ड एग्जाम्स में, बट स्टिल जो मेथड है प्रॉपर मेथड है वो प्रॉपर मेथड बोर्ड्स में सॉल्व करने का यही होता है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। अब बच्चों यहाँ पे जो है ना अलग से मैं लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान देना, पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। बच्चों ये जो मैंने लिखा है ना पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, ये एक्चुअली ये वाले फंक्शन है, ये वाले नहीं सॉरी, ये वाले फंक्शन, ये साइन एक्स जैसे लिया है ना यहाँ पे, ये साइन एक्स किधर गया, ये रहा, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है ना, ये सारे फंक्शन जो है ना इनके पीरियड अपन लोग ये मेथड से ही निकालेंगे, तो क्या निकलेंगे वो पीरियड, वो निकाल निकाल के मैं इधर लिख रहा हूं, तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब तुम्हें इसकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन ये स्टैंडर्ड मेथड जो है ना वो तुम लोग को याद होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तब सब लोग ध्यान दो, साइन एक्स का पीरियड 2π होता है, कॉस एक्स भी 2π होता है, सेक एक्स 2π होता है और कॉसेक एक्स भी 2π होता है, राइट। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू बच्चों, टेन एक्स और कॉट एक्स इनका पीरियड 5 होता है, हम लोग ये चीजें जो ना यहीं से निकालेंगे, जरूरत नहीं है बस याद ही रखना है, तुम लोग को ग्राफ याद है तो पता भी होगा कि इनके पीरियड पाई होते हैं। पॉइंट नंबर थ्री बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, याद है ग्राफ, ये वाला ग्राफ बनता था, हाँ सर, कितना होता है इसका, ये तो ग्राफ बनता था, याद करो, 0 to 1 नहीं, पीरियड लेंथ होता है, लेंथ बताओ, लेंथ कितना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड इज 1, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जैसे ये वाला फंक्शन बना हुआ, ये कौन सा है, किसका ग्राफ है ये बताओ, साइन एक्स का है ना, साइन एक्स का है, अगर मैं मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं तो ऐसा बनेगा ना, वो भी एक पीरियोडिक हो गया, ये मॉड साइन एक्स है ना। अच्छा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का बनाऊं तो कैसा बनेगा बताओ, साइन स्क्वायर एक्स का, तो साइन स्क्वायर एक्स में भी ये नीचे वाला जो पार्ट है स्क्वायर होगा तो ऊपर चला जाएगा ना, हाँ सर, बताओ इसका पीरियड 2π, इसका पीरियड चेंज हो गया ना, कितना आएगा, पाई आ जाएगा, पाई, इसका भी पाई आ जाएगा ना, यस। अच्छा बच्चों ये ग्राफ किसका था, ये वाला ग्राफ,
अच्छा बच्चों इसका अगर मॉड लूं तो इसका मॉड लेने पे ये वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा ना इस तरह से, बताओ पीरियड में चेंज हुआ क्या भाई? इसका पीरियड नो पाई सर, नो सर, नो अभी तो पाई है भाई, इसके बाद वाला ब्रांच फिर वापस जो है नीचे चला जाएगा, बस उतना था ही तो रहेगा, तो नहीं नहीं ऊपर ही जाएगा, सॉरी नीचे तो मॉड जा ही नहीं सकता ना, ऊपर ही जाएगा, बराबर है क्या बच्चों? हाँ सर, हाँ तो सब लोग ध्यान दो, पॉइंट नंबर फोर, मॉड साइन एक्स से लेके ये फर्स्ट और सेकंड सबका मॉड ले रहा हूं, मॉड कॉटेक्स, इन सबके पीरियड कितने होंगे बच्चों? पाई। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ना उनके पीरियड पाई ही रहेंगे, पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस ले रहे हैं बच्चों लोग, और बच्चों यही सारे फंक्शंस जो हैं वन और टू में जो आ रहे हैं, अगर उनका स्क्वायर ले लूं साइन स्क्वायर एक्स अप टू कॉट स्क्वायर एक्स, तो इनके पीरियड भी कितने होंगे? पाई, पाई रहेंगे, चेंज नहीं आएगा उनमें, बराबर है बच्चों? यस सर। हाँ ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों का है, उनको हमें ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है कि चीजें चल कैसे रही है, चीजें चल कैसे रही है। इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर। राइट बच्चों एक चीज समझ लो, ये जो पार्ट टू लगाया ना, ये टू की जगह फोर होगा तब भी तो सेम ही रहेगा। यस, ऐसे टू लिख दो क्या इसके पे? बराबर है ना, इनका पीरियड कितना रहेगा? पाई रहेगा ना। अच्छा बच्चों ये चीज बताओ, पॉइंट नंबर सिक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू वन, बताओ इसका ग्राफ क्या है? ये ग्राफ है ना, वाई इज इक्वल टू वन, ये पीरियडिक तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बराबर है ना? पीरियडिक तो है, रिपीट हो रही है ना वैल्यूज, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड इज Not defined. Not defined. Are you clear with that? अच्छो. Yes, sir. चलो. तो सर ऐसा वन बाय इन्फिनिटी ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा. क्या वापस बोलो? सर इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड ऐसा इन्फिनिटली स्मॉल होगा ना? हाँ इन्फिनिटी स्मॉल वैल्यू पता नहीं ना बेटा, कहीं भी कोई पूछेगा बता टेंडिंग टू जीरो वैल्यू बोल के दिखा, तो यू कांट स्पीक नो, तो कांट स्पीक मतलब फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं उसको, बराबर है? हाँ चलो बच्चों सब लोग ध्यान दो, अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलेंगे हम लोग। देखो पहले इधर जो है ना, स्क्रीनशॉट लेने से पहले इधर इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग को इसमें करने हैं, पीरियडिसिटी में करने हैं। पॉइंट नंबर वन, डेफिनेशन कर चुके हैं बच्चों। पॉइंट नंबर टू, पीरियड यूजिंग डेफिनेशन, ये भी हो चुका है। पॉइंट नंबर थ्री, पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, ये भी कर चुके हैं। क्या बच रहा है बच्चों इसमें? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये अब स्टार्ट होगा अभी, राइट? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद आएगा बच्चों पीरियड यूजिंग ग्राफ, उसके बाद है
period of composite functions and last है बच्चों period of functional equation. ये इसके कंटेंट्स हैं पीरियडिसिटी के, जिसमें तीन कंटेंट्स हम लोग पूरा कर चुके हैं और ये पॉइंट पे हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड पे जाने वाले हैं. ठीक है, हाँ बोलो सर. जो थर्ड पॉइंट है एक्स एक्स का फंक्शन, मतलब ये एक्स का पीरियड वन हो क्यों, कैसा क्या क्या किसका पीरियड वन होगा सर? वो एक्स से ब्रैकेट में डाल के वन लिखा है, वो फैक्टोरियल पार्ट है. वो फैक्टोरियल है गधेड़ा, तूने फैक्टोरियल पार्ट फंक्शन. ओके, ये सारे फंक्शंस का फैक्टोरियल लेगा, ये सारे फंक्शन का फर्स्ट और सेकंड का, तो इनका पीरियड पाई हो जाएगा. समझ में आ रहा है सर? फोर्थ वाला नहीं, वो थर्ड वाला में उसका भी ग्राफ 0 टू 1 1 टू 2 ऐसा ही जाता है ना. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ना, कोई फैक्टोरियल पार्ट बोला. चलो मिलके समझाओ उसको, अभी सामने नहीं है, देख लो कौन बोल रहा है. हां हां, क्लास में तो मिलेगा ना नेक्स्ट टाइम अपन को मिलके दो. अरे सर समझ गया सर, वो कोई तो फैक्टोरियल पार्ट बोला पहले, तो मुझे समझ नहीं आया. ठीक है ना, पता है क्या, दो मिनट के लिए तो गायब होता है ना, सब गड़बड़ हो जाता है, ऐसे थोड़ी होता है. नहीं नहीं गाइस, कैन आई चेंज द पेज? यस. ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस, तुम लोगों को पता है ना, इसमें एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, वो क्या है, 8 पॉइंट. लास्ट 15 मिनट्स में तुम लोगों को इधर ही प्रैक्टिस करना है आज, ताकि हम लोग को ये चमक जाए कि यस पीरियडिसिटी हम लोग को समझ में आ गया है. ठीक है ना, नो होमवर्क, इधर ही पूरा कर देना है. ओके यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब अच्छो ध्यान दो, इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी, अच्छो ध्यान देना, If period of fx is t, मतलब हुआ यूं कि एक फंक्शन का ग्राफ बनाया t इंटरवल के बाद, वो अपना ग्राफ रिपीट कर रहा है. अच्छा एक बात बताओ, एक कोई फंक्शन चुनते हैं ताकि हम लोग को क्या है, ये सारी चीजें इजी वे में समझ में आ जाए, मतलब कुछ झगड़ा फसाद ना हो और सब लोग को इजी वे में ये सारी चीजें समझ में आ जाए. अच्छा एक बात बताओ, sin x का पीरियड कितना होता है? 2π. 2π होता है ना. अगर मान लो बच्चों इस sin x के फंक्शन को मैं कुछ यूनिट से ऊपर या नीचे डिस्प्लेस करूं अलोंग y एक्सिस, तो इसके पीरियड में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, खाली इंटरसेप्ट चेंज कर रहे हो ना. नहीं आएगा ना चेंज? नहीं 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 आएगा. तो पहला पॉइंट बन गया इसका, पॉइंट ए, पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के, ये कितना रहेगा बच्चों? टी रहेगा ना, बताओ बच्चों. yes, समझ में आया नहीं आया? समझा. हाँ, मतलब किसी फंक्शन के ग्राफ को ऊपर नीचे कर देने से उसके पीरियड में चेंज नहीं आएगा. अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये वाला ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ है, अगर इस ग्राफ को मैं साइन ऑफ एक्स प्लस टू का ग्राफ बनाऊ, इसका मतलब टू यूनिट से मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किया ना ये वाला ग्राफ. Yes, sir. है ना, टू यूनिट से लेफ्ट में शिफ्ट करने से इसकी पीरियड की लेंथ चेंज होएगी क्या? नहीं सर. बोलो बोलो. नहीं, ऑडियंस बन के एक घंटे से ज्यादा कोई नहीं पढ़ सकता, इंटरेक्टिव रहना पड़ता है. बोलो बोलो. नहीं होगा लेंथ चेंज. नहीं होगा ना, तो बच्चों ऐसा लिख सकते हैं क्या, पॉइंट बी, पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के, ये भी टी रहेगा, क्या बोलते हो? बोलो बच्चों. यस सर. यस सर. अच्छा बच्चों, साइन एक्स का ग्राफ ये रहा, बताओ टू साइन एक्स का ग्राफ जो बनेगा उसमें क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड वन की जगह टू हो जाएगा, ये माइनस टू हो जाएगा, बताओ यही तो होगा. उसे माइनस टू चलेगा पर इंटरवल भी सेम ही रहेगा. लेकिन ये इंटरवल चेंज होगा क्या, बताओ? नहीं
नहीं चेंज होगा ना, तो बताओ यहाँ सी पॉइंट क्या होना चाहिए? K f of x. इसका पीरियड भी कितना होगा? टी रहेगा, मतलब k से मल्टीप्लाई करने से फंक्शन के पीरियड में चेंज नहीं आता। हाँ ग्राफ बदल जाता है, ग्राफ का बदलने से हमें कोई मतलब है नहीं बच्चों ज्यादा। y इंटरसेप्ट से चेंज क्या मतलब है? फंक्शन के पीरियड में चेंज नहीं आना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली। हैव यू गाइस अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? यस, ऑलराइट। सब लोग ध्यान दो। बच्चों एक बात बताओ, ये वाला ध्यान देना बच्चों, ये किसका ग्राफ है? वापस बना रहा हूं कुछ सिखाने के लिए। साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ है, इधर भी बनाया इधर। अब बच्चों इस ग्राफ का स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। आप मुझे बताओ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स जब लोगे तो ये वाले जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इन सब के स्क्वायर रूट डिफाइन हो गए ना, ऐसा कुछ बनेगा? एग्जैक्ट ऐसा नहीं बनेगा लेकिन ऐसा कुछ बनेगा, सही है दोनों? यस सर। लेकिन बच्चों इन स्क्वायर रूट्स की डेफिनेशन कुछ आएगी क्या? नहीं सर, नहीं आएगी। यानी यहां से यहां तक कोई ग्राफ बनेगा ही नहीं, 2π तक ग्राफ बनेगा ही नहीं। yes. अच्छा 2π के बाद 2π से 3π फिर वैसा ही ग्राफ बन जाएगा ना बच्चों, इसका स्क्वायर रूट सेम बन जाएगा ना, क्या बोलते हो? हाँ सर। और बच्चों उसके बाद फिर ऐसा यहाँ पे सेम बन जाएगा, बोलो क्या बोलते हो? yes, sir. इधर भी ऐसा यहाँ पे इसका ग्राफ नहीं आएगा लेकिन इसका ग्राफ फिर यहाँ बन जाएगा। बताओ बच्चों ये फंक्शन इधर से इतनी लेंथ पे अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है? हाँ सर। तो इसका पीरियड चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ चेंज। बराबर है, सबको समझ में आया? हाँ। तो बच्चों एक चीज बताओ, कंक्लूजन क्या निकला? पीरियड ऑफ अंडर रूट एफ एक्स ये भी टी होगा, लेकिन बच्चों अंडर रूट एफ एक्स डिफाइन होना चाहिए प्रोवाइडेड अंडर रूट एफ एक्स डिफाइंड। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं, एग्जाम्पल ले लो। चलो बच्चों साइन एक्स का पीरियड कितना बच्चों? साइन एक्स का पीरियड पाई, 2π। इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो पीरियड में चेंज आएगा क्या बच्चों? नहीं सर, नहीं आएगा ना, 2 यूनिट ऊपर नीचे तो हुआ। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लूं तो बच्चों ये तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा ना। हाँ सर, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मत होना दो। अगर ऐसा हुआ तो फिर पीरियड डिफाइन नहीं होगा, ये डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। बराबर है, सब लोग को समझ में आया ना? अरे बाबा साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, 1-2 नेगेटिव आ जाएगा ना स्क्वायर रूट में, तो कोई ग्राफ आएगा? नो ग्राफ। बराबर है, सब लोग को समझ में आया? यस सर। तो पॉइंट नंबर डी इज ओवर। बच्चों ई वाला पॉइंट का जवाब तुम लोग को देना है, पॉइंट ई, पीरियड ऑफ 1/fx। बोलो बच्चों इसमें कोई चेंज आएगा कि सेम रहेगा? लॉजिक भी बताओ। सेम रहेगा। लॉजिक बताओ, कहां से तुम्हारे दिमाग में आया कि सेम रहेगा? नहीं रहेगा। अगर एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक है तो फिर 1/fx भी पीरियोडिक रहेगा, क्योंकि वैल्यूज तो वही आते रहेंगे ना बार बार एफ ऑफ एक्स के। अरे बाबा एक छोटा सा एग्जांपल देख लो ना, साइन और कोसेक वाला सेम है। बराबर है ना, सेम ही रहेगा ना सर। भाई साइन और कॉसेक वाला एग्जांपल देख लो एक बार, एक मिनट। हाँ इसका पीरियड भी टी रहने वाला है,
इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग इस चीज को आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। ओके बच्चों, और ध्यान दो बच्चों, एक बात बताओ, साइन एक्स के ग्राफ में और साइन टू एक्स के ग्राफ में क्या अंतर है? कुछ नहीं, साइन एक्स और साइन टू एक्स पीरियड बदल जाएगा ना, साइन टू एक्स का पाई हो जाएगा, पीरियड ये स्क्वीज हो जाएगा ना बच्चों, ग्राफ साइन टू एक्स का ग्राफ तो ऐसा बनेगा ना, देखो ऐसा, ये जीरो, ये टू पाई, ये टू पाई हो जाएगा बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, ये पाई बाई टू हो जाएगा बच्चों, और ये पाई, ऐसे बनेगा ना साइन टू एक्स, हाँ सर, साइन टू एक्स, तो इसका पीरियड कितना हो गया बच्चों, पाई हो गया ना, यस, ट्रिग्नोमेट्री में किया है ना हम लोगों ने ये सब चीज, यस यस। तो बच्चों एक बार बताओ, ये बताओ f वाला पॉइंट, नहीं साइन क्यों लिख रहा हूं मैं, साइन की जगह कोई फंक्शन लिखूंगा ना, पीरियड ऑफ, पीरियड ऑफ f, f ऑफ kx, मतलब x को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट इक्वल टू k, ty mod k, देखो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है बच्चों, टू पाई, तो साइन टू एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, टू पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वन, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ थ्री एक्स का पीरियड कितना होएगा बताओ, वन बाई थ्री, अच्छा चलो बताओ बच्चों इसका पीरियड कितना आएगा, साइन पाई एक्स बाई फोर, टू पाई अपॉन पाई बाई फोर, ये होएगा ना, कितना हो गया, पाई पाई तो कट गया, कितना बच गया, एट, एट, फिनिश फिनिश फिनिश, बराबर है क्या, ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया बच्चों, यस, हाँ, F पॉइंट, G पॉइंट लिखने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा तुम लोग से, ये G पॉइंट कैंसिल किया है मैंने, बताओ बच्चों LCM ऑफ 2,3 कितना, 6, बताओ बच्चों LCM ऑफ 2/3, 5/7 कितना, सर क्या है, 21 आएगा, देखो ये गड़बड़ है, एक बार स्क्रीनशॉट लेके डालो जरा इसका, फिर सिखाते हैं इस चीज को, इसकी जरूरत पड़ेगी, जी पॉइंट मैंने क्रॉस किया ना देखो इधर, इसका मतलब जी पॉइंट में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना, वी स्टार्टेड एट 8:10, सो 8:10 टू 1 hour 5 minutes, 1 hour 10 minutes, सॉरी 8:10 to 1 hour 10 minutes means 9:20. 9:20 is our first break. फिर 9:30 to 10:30 1 hour lecture रहेगा. तो अभी है time वैसे 9:20 में 20 minutes हैं अभी, 25 minutes हैं. जरा जल्दी से बताओ बच्चों ये क्या है? LCM वाला part. किसी को है idea? सर क्या 29/20? नहीं बिल्कुल गलत है. सर 10 है, हाँ 10 इज द करेक्ट आंसर, अच्छा ध्यान दो मैं सिखाता हूँ तुम लोग को इसका चक्कर क्या है, मतलब इसमें चल क्या रहा है एक्चुअली, है ना, अब एक बात ध्यान दो सब लोग, ये तो स्क्रीनशॉट पहुंच गया ना ग्रुप पे, यस सर, प्रांशु एंड प्रियांशु, यस सर, ऑलराइट, हाँ सर पहुंच, हाँ बच्चों सब लोग जान दो, अपने पेरेंट्स को मत बताओ आज एलसीएम पढ़ाया सर ने,
थोड़ा आईटी कोचिंग छुड़वा देंगे वो तुमसे। एलसीएम ऑफ ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ, जो ऐसे फ्रैक्शन में आता है ना, तो उसके एलसीएम निकालने के लिए क्या करो, एलसीएम ऑफ ए कॉमा सी कॉमा ई, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो और डिनोमिनेटर जो है ना बच्चों एच सी एफ ऑफ उसका हाईएस्ट कॉमन ले लो वी सी डी, राइट। लाइक ये पॉइंट नंबर वन हो गया इसका, लाइक एलसीएम ऑफ वन बाई टू, थ्री बाई फोर एंड फाइव बाई एट। बच्चों बताओ न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है ना? यस सर। अच्छा डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन डिनोमिनेटर बच्चों सर टू है ना, यही तो है सर। आपने एचसीएफ बीसीडी लिखा है, वो बीडीएफ होना चाहिए। हाँ बीडीएफ होना चाहिए उसको, बीडीएफ। बोलो बच्चों करेक्ट है क्या? Yes, sir. हाँ इस तरह से निकालना, आगे ध्यान रखना। अब तुम लोग सोच रहे हो यार ये एलसीएम क्यों पढ़ा रहे हैं, तो जब एक क्वेश्चन करेंगे ना तो पकड़ में आएगा तुम लोग को कि इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली, क्यों इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं। ओके अच्छा अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे बच्चों, एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर कॉमा इरेशनल नंबर नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं होता है, तुम इसको इस तरह से समझो, सब लोग ध्यान दो। जैसे मानो बच्चों एलसीएम निकालना हो 1, π, 2π, तो ऐसे लालच आता है हम लोगों को, हाँ ऐसा लगता है अरे यार इसका एलसीएम तो 2π हो गया, ये 2π लिख दिया, ये करेक्ट नहीं है बच्चों। पता है एलसीएम की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी नंबर जो यहाँ आया ना बच्चों, कोई भी नंबर जो यहाँ आया है उसको अगर मैं इन तीनों नंबर से डिवाइड करूंगा ना, इन तीनों नंबर से डिवाइड करूंगा है ना, तो आंसर इंटीजर आना चाहिए। एलसीएम का डेफिनेशन ये होता है, द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 1, 2, 3 आई मस्ट गेट एन इंटीजर। 2π को 2π से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इंटीजर आ रहा है। पाई से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इंटीजर आ रहा है। 1 से डिवाइड करेंगे तो 2π आएगा, इंटीजर नहीं आ रहा है, नहीं है। इसका मतलब इसका पीरियड डिफाइन नहीं है, ये गलत है, ये 2π गलत है, बराबर। एलसीएम निकालते वक्त में इसका ध्यान रखो। लेकिन बच्चों इसी में अगर मानो ये एग्जांपल लें, एलसीएम ऑफ 2√3 एंड 3√3, तो बच्चों इसका एलसीएम 6√3 आ जाएगा। देखो डिवाइड करो इससे, इसके मतलब 6√3 डिवाइडेड बाय 3√3 कितना आ रहा है? आ रहा है ना, सॉरी। और ये भी डिवाइड करने से कुछ अच्छा ही आ जाएगा, बराबर है ना, इंटीजर ही आएगा ना, इसको भी इसको इससे डिवाइड करोगे तब भी। तो एलसीएम डिफाइन है, ये करेक्ट है। लेकिन बच्चों एलसीएम अगर निकालना हो √3 और √2 का, तो ये एलसीएम √6 अगर मैं लिखूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा, बताओ क्यों? क्योंकि इंटीजर नहीं आता है। हाँ क्योंकि इंटीजर नहीं आ रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा ना, डिवाइड करोगे तो इंटीजर नहीं आ रहा ना। ये चीजें ध्यान रखनी है बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते थे। अब जरा ध्यान दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, ये जी वाला पॉइंट में लिखने वाला था, एफ तक लिख चुके हम लोग, अब जी वाले पॉइंट पे ध्यान दो। जी पॉइंट है वो स्क्रीनशॉट बाद में लेना, आई विल गिव यू टाइम फॉर दैट। जी पॉइंट है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, मतलब दो फंक्शन है बच्चों, इट कैन बी 3 or more than 3 फंक्शन ऑल्सो है ना। अगर मान लो इसका पीरियड t1 है, इसका पीरियड t2 है, तुम खुद सोचो बच्चों, एक फंक्शन 2 यूनिट्स के बाद अपनी
ग्राफ रिपीट करता है, दूसरा फंक्शन 3 यूनिट्स के बाद ग्राफ अपनी रिपीट करता है, तो दोनों मिला के एक साथ रिपीट कब होंगे? 6 यूनिट्स के बाद होंगे ना, इसके बाद yes, है ना yes, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ, ओहो गड़बड़ हुई क्या? हाँ बच्चों, तो यहां अगर मैं ये टी लिखूं तो ये टी इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? एलसीएम ऑफ दीज टू आएगा ना बच्चों? यस। क्या बोलते हो बच्चों? यस। हाँ, तो अगर दो फंक्शंस का पीरियड टी वन टी टू है तो एफ एक्स का पीरियड टी वन कोमा टी टू का एलसीएम होगा। ये इसीलिए मैंने देखो यहां जो ना एलसीएम निकालना तुम लोग को सिखाया है, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हम लोग को। सब लोग जरा 2-3 एग्जांपल्स करो यहाँ पे, बट लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा नोट डाल देना चाहिए, बट टी में और मे नॉट बी, अरे यार ये क्या कुछ डिस्टरबेंस इसमें आ रहा है बार बार बीच में, बट ठीक है, आई विल मैनेज, नो इश्यूज। रुको, हाँ, बट टी मे और मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड। बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, सब लोग एकदम ओपन अप करके सुनो बच्चों, पीरियोडिसिटी में एक बात का हमेशा ध्यान रखो, फंडामेंटल पीरियड निकालने के जो तरीके हैं वो बहुत सारी बुक्स जो है ना अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बताती हैं, ध्यान रखना, अपने अपने हिसाब से कुछ बताती हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट। फंडामेंटल पीरियड निकालना आसान नहीं है, आसान नहीं है नहीं कहूंगा मैं, निकाल ही नहीं सकते बच्चों। फंडामेंटल पीरियड सिर्फ इनका ही निकलता है, देखो ये लिखा है ना, ये इस टेबल का ही निकलता है फंडामेंटल पीरियड बस। अगर कोई फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए बोले ना, तो इस टेबल में जो फंक्शन लिखे हुए हैं उन्हीं का फंडामेंटल पीरियड निकलेगा, बाकी फंडामेंटल पीरियड निकालना अपनी औकात से बाहर है। कोई आके तुम लोग को बोले कि चलो फंडामेंटल पीरियड मैं किसी भी फंक्शन का निकाल सकता हूं, तो मेरे को एक छोटा सा फोन कर देना, मैं एक फंक्शन का चार्ट भेज दूंगा, उसमें से एक भी फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड कोई निकाल सकता नहीं है। फंडामेंटल पीरियड का मतलब क्या होता है बच्चों? मिनिमम इंटरवल जिसके बाद रिपीट होगा। हाँ, मिनिमम वैल्यू जिसके बाद रिपीट होता है। अरे बाबा किसी फंक्शन का पीरियड मान लो 2π है, तो 4π 6π 8π तो रहेगा ही ना उसका पीरियड, मानते हो ना? यस सर, बराबर है ना, मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पीरियड। हाँ, लेकिन वो फंडामेंटल पीरियड होगा, जरूरी नहीं है। yes. ठीक है, तो ये दिमाग में रखो, आएगा एक पॉइंट आगे हमारे, ऐसे जल्दबाजी में हम लोग नहीं पढ़ रहे, आराम आराम से पढ़ रहे हैं हर चीज को। टी मे और मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड, इसको हम लोग स्टार कर देते हैं। अब बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस 2x प्लस टेन 3/2x प्लस sec 5x/4। बच्चों इसका पीरियड कितना हुआ? 2π। इसका π। इसका 2π/3/2। 2π/3। 4π/3 होगा ना? 4π/3। 2π/3/2। ऐसे ही तो हुआ ना? अच्छा tan का तो पाई होता है। अरे पाई। सॉरी। 2π/3। यस सर। हाँ। अच्छा बच्चों इसका पीरियड कितना हुआ? 2π/4। 8π/5 है ना? यस सर। यस सर। अब बच्चों इसका एलसीएम लेना है। इसमें हम लोग सीधा सीधा कर सकते ना, क्योंकि सब में पाई का टर्म है तो वो कट जाएगा। नहीं, सीधा सीधा कुछ भी मत करो,
ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सीधा सीधा मत करो, आराम आराम से करो। बोलो सर, ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। हाँ तो ऊपर का एलसीएम कितना है बताओ ना, 8.5 आ गया ना। यस सर। और नीचे का एचसीएफ कितना है बच्चों, 1 ही आ गया, 8.5 हो गया इसका पीरियड। बोलो बच्चों पीरियड निकालने आया नहीं आया इस पूरे फंक्शन का। यस सर। लेकिन ये फंडामेंटल पीरियड हो जरूरी नहीं है, समझ लेना एक चीज, ठीक है ना। यस सर। ये केस में वो फंडामेंटल पीरियड होगा? नहीं नहीं, वो तो तू क्लेम कैसे करेगा कि इसी लिमिट के बाद रिपीट होता है फंक्शन। ग्राफ बना के दिखा चल इसका। नहीं बना सकता, कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तू क्या, मैं नहीं कर सकता, और मैं क्या, कोई भी टीचर नहीं कर सकता। सीधी सीधी सी बात है, इस पे झगड़ा फसाद करने की जरूरत ही नहीं है, बराबर है बच्चों। अब सब लोग ध्यान दो, देखो सब लोग ध्यान दो बच्चों, ये फंक्शन साइन टू एक्स प्लस माइनस ले लो बच्चों, इधर साइन टू एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टू एक्स। बच्चों साइन टू एक्स का पीरियड क्या होगा बताओ? पाई। और इसका पीरियड कितना होगा? 1 होता है ना इसका, हाफ हो जाएगा। लेकिन इसका कितना हो जाएगा? 1/2 होगा ना, हाफ होगा। इसका एलसीएम कितना आएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज नॉन पीरियोडिक। अच्छा, नॉन पीरियोडिक को ये भी बोलते हैं एपीरियोडिक। ए और पी के बीच में गैप नहीं है, ध्यान रखना। नॉन पीरियोडिक इंप्लाइज एपीरियोडिक। इज इट ओके बच्चों? यस सर। यस यस सर। हाँ तो चलो ध्यान दो, ये फंक्शन पीरियोडिक, ये फंक्शन पीरियोडिक, फिर भी दोनों का एडिशन पीरियोडिक नहीं है, ये पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन दिया जाए, फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, राइट, तो बच्चों बताओ इसका पीरियड कितना होता है? पाई। और इसका कितना होता है? पाई। पाई। दोनों का एलसीएम तो पॉसिबल है ना? यस सर, वो भी पाई है। पाई। लेकिन क्या फंडामेंटल पीरियड पाई बोल सकते हैं सर? मतलब नो सर, नहीं बोल सकते ना। अभी अभी तो बात किया कि फंडामेंटल पीरियड बोलना तो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर ना सर? जब भी हम लोग दो ऐसे मतलब साइन एक्स कॉस एक्स प्लस ऐड कर रहे, तो एक्चुअली हो क्या रहा है? अरे बाबा बेसिकली, अच्छा यहां से प्रूव करूंगा कि ये इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं है, क्या हो रहा है यहां से चमकेगा हम लोग को। तो ये तो चमका ना कि पीरियड पाई आना चाहिए। हाँ, और तू थोड़ा रिलेक्टेंट भी है कि यार ये क्या हो रहा है यार, पाई होना चाहिए ना फंडामेंटल पीरियड भी, बराबर ना? यही दिमाग में आ रहा है ना? हाँ, मैं प्रूव करता हूँ कि ये पाई फंडामेंटल पीरियड नहीं है। पीरियड तो है बच्चों, एक चीज बताओ, कोई किसी फंक्शन का ग्राफ 1 यूनिट पे रिपीट हो रहा है तो 2 यूनिट पे तो रिपीट होगा ही ना? हाँ सर। 3 यूनिट पे तो रिपीट होगा ही ना? हाँ सर, बराबर ना? लेकिन किसी फंक्शन का ग्राफ 3 यूनिट पे रिपीट हो रहा है तो क्या ये बताता है कि 2 यूनिट पे रिपीट होना जरूरी है? नो सर। नहीं, यहां से इधर जाना करेक्ट है कि 1 यूनिट पे रिपीट होना मतलब 3 यूनिट्स के बाद तो रिपीट होएगा। मान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? यस सर। हाँ, तो सब लोग ध्यान दो, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो सब लोग। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्वेश्चन 3 बच्चों, y इज इक्वल टू दिया हुआ है मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। पहला तो तुम लोग मुझे ये बताओ
कि फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने क्या बोला कि सिर्फ जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनका ही फंडामेंटल पीरियड निकाल सकते हैं, और वो निकालने का भी बच्चों मेथड है, और मेथड ये वाला मेथड है, इसलिए इनको तो रटना है, इनको तो दिमाग में रखना है कि हाँ फंडामेंटल पीरियड कैसे निकलता है, बराबर। लेकिन yes. बच्चों इसके अलावा किसी का भी फंडामेंटल पीरियड डायरेक्ट नहीं लिखना। अच्छा मुझे बताओ ये पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं है? हाँ सर, मतलब मॉड है, बराबर पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। बच्चों इसको अंडर रूट ले सकते हैं क्या? यस, अंडर रूट लेके इसको स्क्वायर कर दिया, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स होल स्क्वायर। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? पहले हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर, यस। अच्छा अब बच्चों मुझे ये बताओ कि इसका स्क्वायर किया तो आया क्या? मॉड साइन स्क्वायर एक्स तो यार साइन स्क्वायर एक्स ही हुआ ना। यस सर। और मॉड कॉस स्क्वायर एक्स हुआ। यस सर। तो ये तो वन हो गया ना। हाँ सर। और बचा कितना? टू टाइम्स मॉड साइन एक्स इंटू मॉड कॉस एक्स, से यस और नो? यस सर। अच्छा बच्चों अब बताओ वाई इक्वल टू इसको क्या लिख दू? अंडर रूट वन प्लस मॉड साइन टू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। बच्चों एक चीज बताओ कि अगर मैं ये टेबल में जो ग्राफ बने हुए हैं इन ग्राफ्स को मैं इन पॉइंट्स के साथ यूटिलाइज करूं तो वो तो गलत नहीं है ना, फंडामेंटल पीरियड दे देंगे ना। जैसे जैसे मैं ये बोल रहा हूँ मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना बच्चों, फंडामेंटल पीरियड कितना? पाई। पाई तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट किधर गया ये, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट बताओ मॉड साइन टू एक्स का पीरियड कितना होगा? पाई बाई टू। पाई बाई टू होगा ना? yes. इसका पीरियड कितना होगा बताओ? पाई बाई टू होगा ना? फंडामेंटल पीरियड पाई बाई टू। अगर मैं इस फंक्शन में वन ऐड कर दूं तो इसके फंडामेंटल पीरियड में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ना। और उसका स्क्वायर रूट ले लूं तो इसके फंडामेंटल पीरियड में डिफरेंस आएगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। अभी भी किया था ना आज। सोचो फंडामेंटल पीरियड ऑफ वाई, फंडामेंटल पीरियड ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? ओके बच्चों समझ में आया तुम लोग को कि एलसीएम जो है ना हमेशा फंडामेंटल पीरियड दे जरूरी नहीं है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा है और फंडामेंटल पीरियड पूछा है तो उसको हमेशा क्या करो स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद पीरियड निकालो। अदरवाइज फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए बच्चों बुकलेट में प्लस इधर उधर की बुक्स में जितनी रामायण दी हुई ना वो रामायण को छोड़ दो, वो गलत है एक्चुअली। वो कोई भी सिखा रहा है तो बाय मिस्टेक उसने सिखा दिया है। अदरवाइज फंडामेंटल पीरियड निकालना उतना आसान काम नहीं है। समझ में आ रहा है? आप अपना तो, हाँ बेटा बोल। आपने जो मेथड करा है ये हमको एक्चुअली करना पड़ेगा ही नहीं? हाँ वो एक्चुअली करना पड़ेगा, तुम लोग को आना चाहिए। मतलब तुम्हें हमेशा मैनिपुलेट करके अरे बेटा एक बात बता, यहाँ करना क्या है तुझे? इस फंक्शन को जो टेबल नंबर वन है ना उस जैसे फंक्शन में लेके आना है। हाँ ये पॉइंट्स तो यूज कर सकता है, ये वाले पॉइंट्स यूज कर सकता है, ये सब करेक्ट है। yes, बराबर है बच्चों? yes. समझ में आया क्या कहानी? हाँ सर समझा। तो चलो अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, 9:20 को गैप लेना है, हम लोग को ब्रेक लेना है 10 मिनट का, तो 6 मिनट है इस सीक्वेंस का लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए। बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x। बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री में वो वाला फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, होता है ना ये मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला।
बच्चों हाँ सर यस सर बनता है। और कॉस स्क्वायर एक्स के लिए क्या होता है ये फॉर्मूला बताओ। वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू है ना। अब यहां से अगर तुम एलसीएम लेके निकालोगे तो पीरियड पाई नजर आ रहा है, लेकिन एलसीएम लेके फंडामेंटल पीरियड नहीं निकाल सकते ना बच्चों। Yes. तो अगर ये कन्वर्ट हो सकता है तो स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करो ऐसे हाफ एंगल फॉर्मूला लिख करके ट्राई Yes. करो जरा। दो तीन मिनट, दो या तीन मिनट तुम ट्राई करो, उसके बाद मैं सिखाऊंगा, देन विल टेक ब्रेक। बच्चों एक काम करो, 15 मिनट का टाइम है, एक ब्रेक में देख लो 15 मिनट में तुम लोग से कितना बनता है राइट। अदरवाइज फिर 9:30 शार्प, 9:30 शार्प, किसी को 10 सेकंड भी इधर उधर नहीं रहना है। ज्वाइन तो सब लोग रहेंगे, एग्जिट कोई नहीं करेगा राइट, लेकिन शार्प 9:30 मैं इधर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। तब तक तुम 15 मिनट में एक दूसरे को ग्रुप चैट पे इसका आंसर निकालने का कोशिश करो। इसका जो फंडामेंटल पीरियड आता है बच्चों आफ्टर ब्रेक। करो बच्चों ट्राई करो।
हाँ बच्चों कितने स्टूडेंट्स लोग को पाई बाई टू आंसर आया, रेज योर हैंड। यस सर मुझे। जिसको भी आया रेज योर हैंड। 1 2 3। देखो मेहनत करना जरूरी है, ऐसे आराम आराम से आईआईटी नहीं होगा। मैं कौन से स्टेप में अटक गया था? पुश करो पुश करो। 3 बच्चों को ही आया ये गलत है, ज्यादा को आना चाहिए था। हालांकि क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल ज्यादा को आना चाहिए था। बच्चों ध्यान दो सब लोग। लोअर योर हैंड्स। हाँ देखो ये तो अलग से ही पेज रखा है मैंने। हाँ अपना क्वेश्चन था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस फोर एक्स, है ना। इसको लिखा मैंने 1 माइनस कॉस 2x/2। अभी तो निकाल नहीं सकते ना, फंडामेंटल पीरियड तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। और इसको मैंने लिखा 1 माइनस कॉस 2x/2, नहीं 1 प्लस होल स्क्वायर, बराबर। अच्छा ये समझ में आया नहीं आया बताओ भाई? आ गया। अच्छा इसको लिख दिया मैंने 1/2 माइनस 1/2 cos 2x। और बच्चों इसको ओपन कर दो प्लस, तो एक तो आएगा 1/4 राइट, एक आएगा +1/2 cos 2x और एक आएगा बच्चों 1/4 cos²2x। ये दोनों तो कट गए, 1/2 और 1/4 मिलके हो गए 3/4 प्लस 1/4 cos²2x, बराबर। अच्छा अब बताओ बच्चों ये स्टैंडर्ड फंक्शन है कि नहीं? यस सर। देखो स्क्वायर, स्क्वायर वाला फंक्शन स्टैंडर्ड होता है, और इसके बाद वाले ये पॉइंट यूटिलाइज कर लो उसमें kx वाला, राइट। yes. तो मुझे बताओ बच्चों ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है cos स्क्वायर x का पीरियड कितना है बताओ भाई, है ना। तो cos स्क्वायर 2x का पीरियड कितना हो जाएगा बताओ? π/2 हो जाएगा ना। तो बच्चों इसका पीरियड π/2 है, पीरियड π/2 है। अगर cos स्क्वायर 2x को मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूं तो पीरियड में चेंज आएगा क्या? नहीं नहीं। और अगर उसमें 3/4 ऐड कर दूं तब पीरियड में चेंज आएगा क्या? नहीं, नहीं आएगा ना। तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया बच्चों? फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए हमेशा इसी प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहिए बच्चों, हमेशा ध्यान रखो। ये अपना नेक्स्ट वाला पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे थे ना, दैट इज बीन ओवर। वी वर टॉकिंग अबाउट कहां गया वो चार्ट एक बनाया था ना, कौन से पेज पे बना था वो चार्ट? हाँ ये रहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हो ही चुका है राइट। पीरियड यूजिंग ग्राफ बच्चों ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। सब लोग ध्यान दो बच्चों। कभी कभी क्या होता है, कभी कुछ ऐसे फंक्शन आते हैं जिनमें हम लोग डेफिनेशन लगाते हैं ना, पॉइंट नंबर 5.5 डेफिनेशन लगाते हैं ना तो फेल हो जाते हैं, मतलब वहां पे कुछ चमकता ही नहीं, आगे करें क्या। जैसे fx = -1 raised to power box x, बच्चों यार डेफिनेशन लगाओगे तो फंस जाओगे राइट। तो इसका ग्राफ बना दो, ड्रॉ ग्राफ। बोल रहा फाइंड पीरियड, फाइंड पीरियड। तो इसमें पता है क्या करो, इसका ग्राफ बना दो। और जब बॉक्स एक्स के ग्राफ में पता है क्या ध्यान रखना चाहिए, जहां कहीं भी बॉक्स लगाओ ना वहां हमेशा ऐसा ऐसा पैटर्न यूज करो, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 0 to open 1, हमेशा लेफ्ट में क्लोज, हाँ लेफ्ट में क्लोज राइट में ओपन। बच्चों अगर एक्स 0 और 1 के बीच में आएगा तो बॉक्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी बताओ? जीरो।
अच्छा तुम लोग सुन रहे हो कि टाइम पास कर रहे हो, आईआईटी जाना है कि यही रहना है? मैं बोल रहा हूँ एक्स जीरो और वन पे के बीच में रहेगा तो बॉक्स एक्स कितना रहेगा? जीरो रहेगा सर। हाँ सर वो एक्स और एक्स प्लस वन रहता है ना। हाँ जीरो हो जाएगा ना। हाँ सर। तो माइनस वन रेस्ट बार जीरो कितना हुआ बताओ, एफ एक्स कितना बना? वन। अच्छा इसके बाद वाला कंजिकेटिव इंटरवल कौन सा बनेगा बताओ, जीरो कमा वन के बाद वाला कंजिकेटिव इंटरवल? वन इंक्लूडेड से टू ओपन। इसमें एफ एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, वन कोमा टू में ये बॉक्स एक्स क्या होगा? वन होगा, वन होगा। तो माइनस वन रेस्ट बार वन माइनस वन होगा बराबर। अच्छा एक और लिखते हैं बच्चों, टू टू थ्री में क्या होगा बताओ? ऊपर टू आएगा तो ये वन आ जाएगा ना, क्या बोलते हो? ये बनेगा ना बच्चों, रिपीटेशन स्टार्ट हो गया ना, देखो रिपीटेशन स्टार्ट हो गया ना। Yes. Yes, क्या बोलते हो इसका मतलब, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तुम कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो ग्राफ पता है इसका? इसका ग्राफ बच्चों इस तरह का कुछ बनना चाहिए, इस तरह का कुछ ग्राफ बनना चाहिए। सबसे पहले जीरो और वन के बीच में बनेगा वाई इक्वल टू वन, इसमें जीरो शामिल है, ये बन गया। फिर वन और टू के बीच में बनेगा माइनस वन, जिसमें वन शामिल है, ये बन गया। उसके बाद यहां पे बनेगा बच्चों, ये सर्कल है, ये बनेगा। उसके बाद यहां बनेगा बच्चों, बताओ फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है? सर है सर। पीरियड कितना है इसका? टू। फिनिश। आप जरा सोच के देखो कि अगर आप कॉन्सेंट्रेट इधर नहीं कर रहे हो, जो कि बहुत इजी तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? आप लोग को जो लास्ट में 15 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें से कुछ होएंगे कुछ नहीं होएंगे। एक स्टूडेंट जो सीरियसली सारी चीजें देख रहा है उसको 15 क्वेश्चन 15 मिनट्स में बन जाएंगे। तो आईआईटी में डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, और वो डिफरेंस क्या है कि आपने ईयरफोन लगा रखा है और आप सीरियस हो तो आप आईआईटी में हो, आपने ईयरफोन लगा रखा है और आप थोड़ी मस्ती में हो तो आप आईआईटी से बाहर हो। एक छोटा सा डिफरेंस आपकी लाइफ में, जरा मेरे लिए सोचो कि मैं अगर टीचिंग में इस तरह से करूं कि 7:30 तुम्हारा लेक्चर है, उठा के 8 बजे स्टार्ट करूं, 7:30 से 8 तुम वेट करते रहो, तो ये जो बच्चे आधे बच्चे तो कहेंगे पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, इतना आधा घंटा तो वैसे वेस्ट कर दिया हमारा, राइट? और फिर बीच में 1.5 घंटे के लेक्चर में बीच में आधे घंटे का मैं ले लूं ब्रेक, तो तुम्हें लेक्चर अटेंड करने से पहले ही रहेगा ना कि यार पता नहीं क्या ही रहेगा, छोड़ो ना अपन क्या करते हैं। कभी भी ध्यान रखो बच्चों, सिंसियरिटी पेज अ लॉट इन योर लाइफ। तुम लोग जो ना थोड़ा इनसिंसियर होकर अपने करियर बर्बाद करते हो। इस चीज को मैं समझाया, ये एग्जाम में क्यों नहीं आ सकता, आएगा पक्का आएगा, अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो पूछ लेगा वो ग्राफ से, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही निकालते हैं, ग्राफ में कम लोग ध्यान देते हैं, ग्राफ बनाएंगे फटक से पीरियड निकल जाएगा, राइट? और जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया उनको नहीं निकलेगा। अलर्ट टोन पे रहो, थोड़ी देर तो पढ़ते हैं, मैं तो टाइम देता हूँ, बीच में 15 मिनट गैप भी दिया, तुमसे डिस्कस भी कर रहा हूँ। बच्चों इन सब चीजों पे ध्यान दो, हम लोग का ये आज कंटेंट 100% पूरा हो जाएगा और विद इन द टाइम पूरा हो जाएगा। शुरू में टाइम लगा, अब टाइम नहीं लगेगा आगे वाले पॉइंट्स पे। पॉइंट नंबर सिक्स नहीं, एग्जांपल नंबर टू, ये एग्जांपल वन है सर। एग्जांपल में क्वेश्चन, हाँ बोल बेटा। सर वो जो ओपन डॉट्स है वो सब वन टू वो सब पे है? हाँ वन पे, यहाँ ओपन रहेगा यहाँ क्लोज रहेगा, पूरा सेम वन से टू के बाद ही हो रहा है ना? हाँ ठीक है। ओके सर। अच्छा जैसे इसका ग्राफ बनाओ, फाइंड पीरियड ऑफ, फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू बॉक्स एक्स। अच्छा काम तो यही करना है ये ना, यहाँ पे भी सेम ही काम करना है, बस एफ एक्स की वैल्यू लिखते चले जाओ। इसमें बच्चों थोड़ा तुम्हें कंटाल आएगा, मतलब यू गाइज विल बी इरिटेटेड, क्योंकि थोड़ी देर के बाद में तुम लोग को आइडिया आएगा कि इसमें रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है ना, रिपीटेशन स्टार्ट होने में इसमें टाइम लगेगा। तो बच्चों मैं तुम्हें 2 to 3 मिनट्स दे रहा हूँ इसके लिए, ट्राई कर दो एक क्वेश्चन जरा फटाफट। बच्चों एक बात पहले मेरी ध्यान से सुनो,
ताकि तुम लोग को थोड़ा कंफर्ट जोन रहेगा। ये जो लिखे है ना बच्चों, इसमें ये वाला पॉइंट तो पूरा हो चुका, यूजिंग ग्राफ तो चल रहा है अभी, इसलिए टिक कर देता हूं। पीरियड ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, बस बच्चों ND1 जो है ना, ND1 दादर वन बैच में यहां तक किया है मैंने, और इस बैच को मुझे क्लब करना है तुम्हारे साथ ऑनलाइन में नेक्स्ट टाइम, राइट, ऑनलाइन में, राइट, तुम्हारे जो ये चल रहा है ना, क्या बोलते हैं, MT के सिलेबस वाला पार्ट, वहां तक मुझे क्लब करके पढ़ाना है ये, राइट। फिर तो सारे बैचेस में लिमिट जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, ओके। तो अपना एक ही पॉइंट बचा है आज बस, और इसके खत्म होते ही तुम्हारे पास में प्रैक्टिस शीट आ जाएगा। एक प्रैक्टिस शीट का मतलब इधर ही सॉल्व करने हैं, 15 में से कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसका टाइम रहेगा 10 मिनट, समझ रहे हो? इसलिए इधर ये लास्ट कंटेंट है, ये सीखा और काम खत्म आज का। ध्यान से चीजों को पढ़ो, मैं तुम्हें रिविजन का टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट देख करके भी शीट सॉल्व कर सकते हो, बट यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? जरा फटाफट से बच्चों ये वाला ध्यान दे दो, ये वाला क्वेश्चन ग्राफ बनाओ, इरिटेट नहीं होना, थोड़ा टाइम लेगा ये ग्राफ, इसमें गंदगी होती है धीरे धीरे, आराम से। सर ऑफलाइन में भी आप ही पढ़ाओगे ना हम लोग को, पवई ब्रांच में? ऑब्वियसली हाँ हाँ, ऑफलाइन ब्रांच में, पवई ब्रांच को मुझे बिल्कुल स्टार ब्रांच बनाना है समझ लो, लेकिन तुम मेहनत नहीं करोगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पर सर आपका लेक्चर ही कैंसिल कर दिया ये वीक का। नहीं, ये वीक में कैंसिल नहीं किया है, आज कोई कॉलेज एग्जाम है बच्चो। नहीं नहीं सर, यस्टरडे था एक, कैंसिल हो गया। तो कल जो एग्जाम था ना, वो मेरे को सेंस ऑफ इमरजेंसी में लेक्चर किधर शिफ्ट करना पड़ा था, अदरवाइज इट विल नॉट बी कैंसिल्ड इन एनी केस। वो ब्रांच तो आप मान के चलो कि मुझे लेना ही लेना है। उधर में बच्चे थोड़ा पीछे हैं, बट आगे पीछे का सब चलता रहता है बच्चों, थोड़ा सिलेबस में पीछे रहना, इट्स नॉट बिग इशू, और बाय द टाइम पैरेलल आ जाओगे, रिजल्ट बहुत बिंदास आएंगे। पवई ब्रांच के रिजल्ट अगले साल 23 में एक माइलस्टोन रहेगा पवई के लिए, कि जितने बच्चे हैं सब IIT चले गए, ये एक माइलस्टोन बना के दूंगा, और मैं आई विल पुट हार्ड वर्क ऑन दैट। बच्चों फटाफट से ग्राफ बनाओ, उसका 2 मिनट का टाइम है, चलो करो अभी। I'll not speak. Done, sir. Yes, sir. Done. बोल। Done, sir. Answer बोल। Sir, ऐसा आ रहा 0 0 0 1 0 -1 0 1 0 -1 हाँ, 4 आ रहा ना पीरियड,
देखो x belongs to 0,1 पे अलग है, फिर x belongs to 1,2 पे अलग है, x belongs to 2,3 पे अलग है, और 3,4 पे अलग है, सब पे अलग अलग आते हैं बच्चों, लेकिन फिर 4,5 पे रिपीट होता है। हाँ हाँ यस सर। हाँ यहां से रिपीट होना शुरू होता है। अरे यार सर बेसिकली वो हर साइन पाई बाय टू का इंटरवल पे जो ग्राफ बनता है वही है। हाँ वही है वही है, तू सही कर रहा है, तू सही कर रहा है। देखिए एक बार लिख देते हैं, जिन बच्चों ने नहीं किया ना उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए। 0,1 में बच्चों ने जीरो बन गया, अब साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है ना। 1,2 में ये 1 बन गया, साइन पाई बाई टू कितना होता है, 1 होता है। फिर 2,3 में बॉक्स एक्स 2 बन गया, तो 2 इंटू पाई बाई टू साइन पाई जीरो होता है। अब तुम्हें यहां लगेगा कि जीरो के बाद जीरो आ गया तो ये पीरियड हो गया, यानी पीरियड कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे ऐसे मत करो, हाँ एक वैल्यू और निकालो। 3,4 में 3 हो गया, जब 3 हो गया तो ये 3 पाई बाई टू बन गया ना बच्चों, साइन 3 पाई बाई टू माइनस 1 होता है। यस राइट। लेकिन बच्चों इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा ये, जैसे जैसे ही 4,5 लिखोगे 4 आएगा तो ये 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ से रिपीट होना शुरू हो रहा है, ये 0 आ जाएगा, नेक्स्ट 1 आएगा, फिर हाँ फिर 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर 1 माइनस 1। तो बच्चों ये पीरियड जो हो जाएगा ना इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर। तो ग्राफ से पीरियड निकालने का तरीका ये होता है। अब ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, इसको कर लेना, पीरियड ऑफ 10 पाई बाई टू बॉक्स एक्स अभी हो जाएगा 2 मिनट। नहीं 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 रुको ना, अभी करो ही मत, ट्राई मत करो, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। बच्चों ध्यान दो, ये पॉइंट नंबर 6 हो गया, पॉइंट 6 ये लास्ट पॉइंट है बच्चों, उसके बाद तुम्हारे पास प्रैक्टिस के लिए शीट आएगा। सब लोग ध्यान दो, पीरियड ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस, ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस, बच्चों ध्यान से सीखो सब चीजों को, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है समझ में आने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, मतलब समझ में आए बगैर प्रैक्टिस अच्छी कर नहीं सकते, इसलिए ध्यान से सीखो बच्चों। पीरियड ऑफ f of g x ये ना, ये अंदर वाले फंक्शन का पीरियड लेना चाहिए, अगर ये पीरियोडिक है तो। बच्चों पीरियड ऑफ f of g x इज पीरियड ऑफ g x राइट, प्रोवाइडेड g x पीरियोडिक हो राइट, अदरवाइज यूज डिफरेंट मेथड। वही ग्राफ वाला बच्चों, देखो यहां से ये हटा देना चाहिए मुझे, दिस इज नॉट करेक्ट, इसको लगा देना चाहिए मुझे यहां पे राइट। मतलब एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड निकालने हो तो मोस्ट इंटीरियर फंक्शन जो होता है ना बच्चों उसका पीरियड निकाल लो, है ना, वही इसका पीरियड होगा। बट ये जो पीरियड निकलता है ना बच्चों, ये अगेन दिस मे और मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड। आज का ये लास्ट कंटेंट चल रहा है, बट ये यही कंटेंट सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है बच्चों, इसलिए ध्यान से पढ़ लो इसको राइट। सब लोग ध्यान दो, वो क्या बोल रहा है कि अगर आपको एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड निकालना हो तो जी एक्स का पीरियड निकालो। एग्जाम्पल बच्चों, इस पे एग्जाम्पल थोड़े ज्यादा आएंगे, 4-5 राइट। मान लो बच्चों साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड निकालना हो तो साइन भी पीरियोडिक है और फ्रैक्शनल पार्ट भी पीरियोडिक है। बताओ मोस्ट इंटीरियर फंक्शन का पीरियड अगर लेना हो तो फ्रैक्शनल पार्ट का लेंगे कि साइन का लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसका पीरियड कितना हो गया बताओ, 1 होगा कि 2π? 1 होगा। अच्छा बच्चों साइन ऑफ
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स में क्या करोगे, किसका पीरियड लोगे, साइन एक्स का लोगे कि फ्रैक्शनल का लोगे? साइन एक्स, साइन एक्स का मोस्ट इंटीरियर फंक्शन का पीरियड लोगे, कितना आएगा? 2π। समझ में आ रहा है ये? मतलब gx कंसीडर करेंगे, gx को कंसीडर करना है, gx को कंसीडर करना है। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, cos नहीं sin ऑफ cos x, sin ऑफ cos x इसमें किसका पीरियड देखोगे, sin का देखोगे cos का देखोगे? cos का देखोगे। तो cos का पीरियड कितना होता है बच्चों? 2π। ये फंडामेंटल पीरियड है कि नहीं ये पता नहीं है, वो बाद में पता करेंगे बच्चों। sin inverse of sin x बताओ इसमें किसका पीरियड? साइन इनवर्स तो पीरियोडिक वैसे ही नहीं होता, तो किसका पीरियड देखना है? साइन एक्स का देखना है ना? यस सर। पीरियड कितना आएगा? 2π। 2π। लेकिन बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये तो नॉन पीरियोडिक हो गया ना बच्चों, बराबर है ना? अरे बाबा इसका पीरियड देखना है ना, ये पीरियोडिक नहीं है पहली बात। दूसरी बात बच्चों इसका डोमेन क्या है बताओ? -1 to 1 है ना? -1 to 1। ये बताओ किसी फंक्शन का डोमेन, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर पीरियोडिक फंक्शन extension of domain is -∞ to ∞। बीच में ब्रेक हो जाए तो चलेगा, लेकिन फंक्शन को पीरियोडिक होना चाहिए। ब्रेक हो जाए तो चलेगा लेकिन पीरियोडिक होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कर सकते जैसे बच्चों एक फंक्शन का डोमेन जो है ना वो ये है -1 to 1, तो ये तो ग्राफ बस इतने डिस्टेंस पे ही बनाना, ये -1 यहाँ आ गया और ये 1 यहाँ आ गया, इतने डिस्टेंस पे कोई ग्राफ बना। अब कोई पूछेगा बताओ ये पॉइंट किधर से आया, तो ये पॉइंट इधर का कोई ग्राफ होना चाहिए, उधर से ही तो लौट के आएगा। अरे बाबा -1 पे यहाँ इस पॉइंट पे कोई ग्राफ बना हुआ है, तो कोई पूछेगा कि ये फंक्शन पीरियोडिक अगर है तो भाई ये वाला डॉट किसी पीछे वाली जगह से ही तो लौट के आएगा, और पीछे खाली पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई तो ग्राफ कैसे बनेगा, बराबर नहीं बनेगा ना? नहीं है पीरियोडिक। हाँ तो पीरियोडिक नहीं हो सकता ना वो, यानी किसी फंक्शन के पीरियोडिक होने के लिए पीछे वाली सारी जगह में ग्राफ किधर ने किधर अवेलेबल होना चाहिए, और वो जरूरी है बच्चों। ये चीज समझ लो, एक चीज इस तरह से समझो बच्चों, इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ। जैसा साइन रूट एक्स, बच्चों बताओ इसका डोमेन क्या हुआ? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ ना, बोलो बच्चों। यस। अब अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे बच्चों, अगर इसका तुम ग्राफ बनाओगे, ये हालांकि कर चुके हैं हम लोग क्वेश्चन, लेकिन मैं इस पॉइंट के भरोसे बात कर रहा हूं, अगर इसको तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ क्या एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा? राइट में ही बनेगा। नहीं बनेगा ना, राइट में ही बनेगा ना, क्योंकि डोमेन एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो बच्चों मान लो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बना, तो कोई भी पूछेगा बताओ भाई यहाँ ये पॉइंट कैसे आया, अगर ये फंक्शन पीरियोडिक है तो ये पॉइंट कैसे आया, तो इधर ढूंढेगा क्या, इधर से कहीं से लौट के आया होगा, तो इधर तो ग्राफ ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं, तो बताओ ये फंक्शन पीरियोडिक हुआ? नो सर। नहीं हुआ ना, तो मतलब बच्चों ये हुआ कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का जो जो एक्सट्रीमिटीज होता है ना वो -∞ से +∞ तक फैला हुआ होना चाहिए। जैसे बच्चों टेन एक्स है, अब बताओ टेन एक्स जो है उसका ग्राफ -∞ से +∞ तक बना हुआ है, सही है सर? यस बना हुआ है ना, -∞ से +∞। यस सर। अब तुम लोग बोलोगे तो बीच बीच में टूटा हुआ है, तो टूटी हुई पार्ट भी तो रिपीट हो रही है बच्चों, ब्रेक हो रहा है, ब्रेकिंग भी तो रिपीट हो रहा है इसमें, तो ब्रेकिंग भी ले रही है, सही है सर? यस सर। भाई डिसकंटिन्यूटी भी तो रिपीट हो रही है,
तो यहां से कंक्लूड क्या करते हो तुम लोग, इस जगह से कंक्लूड क्या करते हो कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का डोमेन जब निकालोगे ना, तो डोमेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक फैला हुआ होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस बीच में होगा तो चलेगा, मतलब बीच बीच में कहीं गोले लग रहे हैं तो चलेगा, समथिंग लाइक दैट। हैव यू अंडरस्टूड दिस बच्चों? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो बच्चों अब मुझे ये बताओ, ये वाला बिल्कुल आउट ऑफ द वे जा रहा हूं अब मैं, मतलब बिल्कुल जो अभी करा रहा था उससे अलग ही जा रहा हूं। मान लो बच्चों एग्जाम्स में, इन जेई मेन और एडवांस, इफ क्वेश्चन इज बीन asked find fundamental period, बच्चों ये बड़ा डाइसी है, fundamental period of cos of sin x, right? अब बच्चों जरा सोचो, ये क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन देगा? अरे ऑप्शन देगा ना, ये ऑप्शन लिखेगा यहाँ पे ए 2 पाई, बी 4 पाई, सी 5 बाई 2, डी 3 पाई। बोलो बच्चों इसका इसका पीरियड कॉस का देखोगे साइन का देखोगे? साइन का देखोगे ना? यस यस। तो बताओ इसका पीरियड कितना आ गया बच्चों? 2 पाई। 2 पाई, 2 पाई इसका आंसर आ रहा है, ये 2 पाई इसका आंसर आ रहा है। बताओ 2 पाई को अगर मैं फंडामेंटल पीरियड मान लूं तो 4 पाई और 3 पाई तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, से यस और नो? हां सर। अच्छा बच्चों एक काम करते हैं, इसको जो ना इसको इसको पाई लिखते हैं, है ना? 2 पाई और 4 पाई, तो 2 पाई अगर निकल गया तो 4 पाई और 3 पाई तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। अब बच्चों पाई को चेक करना पड़ेगा ना? हां सर, क्योंकि 2 पाई अगर फंडामेंटल पीरियड है, सॉरी पीरियड है, तो पाई भी फंडामेंटल, पाई उससे कम हो गया ना बच्चों, तो पॉसिबिलिटी है उसका, तो पाई पॉसिबिलिटी बन जाती है ना, तो पाई पे चेक कर लो। पाई पे कैसे चेक करोगे बच्चों? नाउ चेक फॉर पाई, राइट? रिजेक्शन में चले गए वो तो लिख ही दिया मैंने। बच्चों पाई पे कैसे चेक करोगे बताओ? एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अगर आ गया तो बच्चों बताओ फंडामेंटल पीरियड पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। यस, ये आंसर हो जाएगा ना, 2 पाई रिजेक्ट करके पाई कर देंगे ना आंसर बच्चों? से यस और नो? यस यस यस। अच्छा अब बताओ एफ ऑफ पाई प्लस एक्स कितना आ रहा है बच्चों? एफ ऑफ पाई प्लस एक्स आ रहा है कॉस ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, बराबर? समझ में आया नहीं आया? यस। और इसको सॉल्व करते हैं, साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है बच्चों? साइन एक्स, साइन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन, माइनस साइन एक्स। अच्छा कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है ना? हाँ सर, तो मतलब बराबर है पाई, कॉस ऑफ साइन एक्स हो गया ना। व्हाट इज दिस इंप्लाइंग बच्चों? वापस एफ एक्स ही आ गया ना? फंडामेंटल। Yes. And what is this implying? Pi is fundamental. Fundamental. कोई मुझे बता सकता है कि अगर options में question आएगा तो तुम्हारा जो examination में point of view होना चाहिए बच्चों वो क्या रहेगा बताओ? Sir पहले जो भी period आ गया उससे जो भी बड़े है उसको काट देने का, और उससे जो भी छोटे उनको छेद कर लेने का। हाँ यही approach करेंगे ना। पहले जो भी period आ गया वो पीरियड जो है वो निकाल लो, और फिर बच्चों फिर क्या करोगे बताओ? बाकी का जो एलिमिनेट कर देंगे और जो छोटे वाले हैं उनको टेस्ट करेंगे, बड़े वाले को रिजेक्ट कर देंगे और छोटे वाले को चेक करेंगे, बराबर ना? गलत होने का चांस ही नहीं बच्चों, गलत होने का चांस ही नहीं। बाकी कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है इसका कि चलो ऐसे जल्दी से निकाल के रख दो, नो नॉट दैट। और बच्चों ये वैल्यू लिखने वाला सिस्टम करना मत, तुम लोग को समझ में आया ये वाली कहानी? तो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन दे दूंगा तुम लोग को, फिर उसके बाद तो शीट करनी है तुम लोग को। बोलो क्या बोलते हो, निकालोगे फंडामेंटल पीरियड? दो एक क्वेश्चन दे दो।
ये एडवांस का क्वेश्चन है, मतलब स्क्रीनिंग का है, सॉरी स्क्रीनिंग का है, आई एम सॉरी, स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है। स्क्रीनिंग का मतलब वही 2006 से पहले वाला। पूछो ये क्वेश्चन, ध्यान दो सब लोग। क्वेश्चन, फंडामेंटल पीरियड ऑफ कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स, ऑप्शन ए 2π, ऑप्शन बी 4π, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 5/2। चलो बच्चों ट्राई करो, इसको तुम ट्राई करो। मैं बता देता हूं कौन कौन से पॉइंट्स बच गए हैं जो हमें ND1 के साथ शिफ्ट करके और पूरे करने हैं। पॉइंट्स लेफ्ट, पॉइंट नंबर 1 फंक्शनल इक्वेशन वाला पॉइंट बचा हुआ है पीरियोडिसिटी में, एंड पॉइंट नंबर 2 मिसलेनियस एग्जांपल्स। इसमें लगेंगे 20 मिनट, इसमें लगेंगे 20 मिनट, राइट। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना बच्चों आपका ऑनलाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन, ऑफलाइन में कुछ और लेंगे, ऑनलाइन में नेक्स्ट लेक्चर ऑनलाइन में जो है ना वो हम लोग लेंगे इवन ऑड फंक्शन एंड पॉइंट 1 एंड 2। मतलब तुम्हें सिर्फ एक ही चीज बच जाएगी मेजर टेस्ट के लिए, पार्ट लेफ्ट फॉर एम्प्टी एज रेंज, वो बच्चों आराम से कर लेंगे। वो कितना भी ज्यादा करो कितना भी कम करो उसमें मार्क्स जो है ना, अगर अच्छा प्रॉब्लम आया तो नहीं आएगा, और गंदा प्रॉब्लम आया मतलब गंदे के से मतलब इजी प्रॉब्लम आया तो आ जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड, ये प्रैक्टिस का गेम है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये पार्ट पूरा हो जाएगा मेजर टेस्ट वाला। अच्छा डोमेन की शीट मैंने सारे बच्चों को दी है ना? हाँ सर। पावाई में यार NC1 में नहीं दी मैंने, NC1 में नहीं दिया। तुम लोग का एक काम करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तब तक मैं NC1 में भेजता हूँ डोमेन वाली शीट। रुको मेरा मोबाइल किधर चला गया। सर आपको आंसर चैट पे भेज दो। हाँ सर मेरा भी हुआ। क्या बोल रहे हो बेटा? आंसर कहाँ भेज रहा? आंसर कितना आ रहा है? 5/2 आया। मुझे तो करेक्ट, इट्स करेक्ट, 5/2 इज करेक्ट। बच्चों वैसे तो 2π आ रहा है, फिर 2π के बाद पाई चेक करोगे ना, पाई भी आ जाता है और पाई के बाद 5/2 भी आ जाता है। अरे अरे एनसी बैच कैसा बना है, मेरे को मिलता क्यों? मिल गया आज जल्दी मिल गया, कल तो बहुत दिक्कत आ रही थी। बच्चों डोमेन वाला जो पार्ट है ना इसको रिवीजन कर लेना तुम लोग, एनसी वाले जो बच्चे हैं ना ये रिवाइज कर लेना। इसमें क्वेश्चन आंसर की सॉल्यूशन तीनों डाल दिया है मैंने, इसको रिवाइज कर लेना ताकि जो नेक्स्ट TWT है ना
उसमें एक प्रॉपर रिवीजन तुम लोगों को मिल जाएगा। कुछ डाउट्स होंगे तो क्लास में डिस्कस कर लेना। सर आपने जो क्वेश्चन दिया उसमें मेरे को पाई बाय 2 करेक्ट नहीं आ रहा है, कैसे आया था? एलसीएम क्या मिला? एलसीएम 2 पाई आता है ना? हां देखो एलसीएम तो 2 पाई आ गया। उसका चेक कर लेना, इसका 2 पाई निकाला, उसका तो लास्ट समय क्या था cos sin x, एलसीएम तो 2 पाई आ गया। अब बताओ 2 पाई के बाद 4 पाई तो रिजेक्ट हो गया? हां हां सर, पाई चेक किया तो पाई करेक्ट आया, पाई चेक किया तो पाई बाय 2 भी करेक्ट ही आएगा, दोनों चेक करना पड़ेगा ना। चेक पाई तो पाई भी सेलेक्ट हो जाता है बच्चों, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स जो है ना एफ एक्स से आ जाता है, चेक करके देख लेना ना। नाउ चेक क्या बताओ, पाई बाई टू, पाई बाई टू क्या चेक करना है, एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स। तो बच्चों एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स भी एफ एक्स से आ जाता है। अरे यार ये तो सिंपल है, कर लोगे ना बच्चों? करके दूं क्या किसी को नहीं आया तो? अरे बाबा कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, तो ये सेम ही आ गया ना, ये कॉस ऑफ साइन एक्स ये बन जाएगा, और साइन पाई बाई टू प्लस एक्स होता है कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स बन गया, वो ये वाला बन जाएगा, तो सेम ही फंक्शन बन जाएगा ना, तो पाई बाई टू फंडामेंटल पीरियड आ गया, दैट्स इट, कहानी खत्म। बराबर है बच्चों? यस सर। तो ये क्वेश्चन हमेशा एक बार बता दोगे माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स प्लस इसमें पाई बाई टू प्लस एक्स cos of sin pi by 2 plus x क्या होगा बता? Positive cos x. cos x. अब ये cos of minus theta तो cos theta ही होता है ना? अच्छा okay ठीक है। तो sir पर मतलब मैंने ना cos को common लेके cos x minus theta। ओए गधेड़ा क्या कर रहा है? ऐसा कभी करता है तू? sin square theta plus cos square theta is equal to sin square। हाँ हाँ वो गलती कर दिया ना। यस कॉस स्क्वायर ऐसे थीटा लिखता है? नहीं सर वो ही गड़बड़ किया अभी तक। तो ये सब काम गंदे काम मत कर, शर्म कर थोड़ा। कॉस कॉस ऑफ कॉस एक्स आ गया ना, देख वापस एफ एक्स आ गया ना, तो पीरियड इज पाई बाय 2। बराबर बच्चों समझ में आया ये वाली कहानी? यस सर। अब देखो ये जो पार्ट बचा है ना ये 2 घंटे का पार्ट है, नेक्स्ट टाइम फिर इस पे भी होमवर्क आ जाएगा। होमवर्क का वाला क्लास में एक बार प्रैक्टिस आ जाएगी, उसको तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना बस, और उसके बाद में बच्चों ज्यादा तकलीफ में अपन नहीं है, अपना बैकलॉग तो है मैं मानता हूँ, लेकिन वो बैकलॉग गारंटीड पूरा हो जाएगा ये तुम मान के चलो, इसलिए इसको हेडेक बना के मत पढ़ो, थोड़ा रूटीन में पढ़ो, ठीक से पढ़ो। जैसे मैंने क्या बोला तुम लोग को कि डोमेन वाली शीट पूरी कर लो तो तुम्हारा एसटीपी जो टीडब्ल्यूटी है ना ये परफेक्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद में ये जो आज कंटेंट पढ़ा है इसका शीट मैं अभी देने वाला हूँ वो पूरा कर लो तो ये परफेक्ट हो जाएगा। अब मान लो